हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आई एम बैक विथ यू पीपल विथ अनदर क्वेश्चन अंडर हैशटैग आस्क ट्रिपल आई एम। हमारे दर्शकों और हमारे प्रशंसकों को मेरे नमस्ते और ट्रिपल आई एम के साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आज का हमारा प्रश्न है मंजर उल्दे ने। मंजर उल्दे हमें पूछ रहे हैं, थैंक्स गाइज, इंडीड वेरी गुड वीडियो। आई हैव एक्सपोर्टेड सम सिरामिक सैनिटरी वेयर टू जिम्बाब्वे फ्रॉम इंडिया एंड वेटिंग फॉर माई रिमेनिंग बैलेंस पेमेंट फॉर ऑलमोस्ट 8 months। आई एम नॉट कवर्ड, कैन यू एडवाइज मी हाउ कैन आई गेट माई मनी बैक, थैंक्स। तो मंजर साहब की तरह बहुत सारे लोगों को ये शायद प्रश्न आ सकता है कि उन्होंने एक्सपोर्ट कर दिया, ECGC क्रेडिट इंश्योरेंस नहीं लिया है, आपके पेमेंट टर्म्स अपने जो नेगोशिएट किए हैं वो आपने फेवर और इन फेवर ऑफ द बायर किए हैं, आपने विन विन सिचुएशन में पेमेंट टर्म्स और इनको टर्म्स को नेगोशिएट नहीं किए हैं बायर के साथ। विन विन यानी वो भी खुश आप भी खुश, उनको भी खतरा नहीं आपको भी खतरा नहीं, उनकी भी जिम्मेवारी उतनी ही है जितनी जिम्मेवारी आप लोगे, उनकी भी कॉस्ट जो भी है पेमेंट आपको करने का और आपकी भी जो कॉस्ट है इन्वेस्टमेंट है वो भी आपको, दोनों पक्ष, दोनों बायर और सेलर दोनों साथ में विन विन सिचुएशन में काम करें। तो अगर ये हो गया है आपसे, अभी हमने एक वाक्या मैं आपको सुनाती हूँ। अभी हमारे एक्सपोर्टर थे, मुझे मिले थे एंड आई वॉज एक्सप्लेनिंग टू हिम, सिमिलर सिचुएशन था और इनको हमने बोला कि आप इंडियन एम्बेसी इन जिम्बाब्वे, वहाँ देश में जो भी हमारे इंडियन कॉन्सुलेट है, इंडियन एम्बेसी है, वहाँ पे आप लिखें, उनको बताइए कि ये बायर हैं, ये हमारा जिम्बाब्वे के आपका बायर है वहाँ का और उन्होंने पेमेंट नहीं किया है। तो वो लोग से आप अगर ईमेल लिखेंगे अपने सारे प्रूफ, व्हाट्सएप वाले नहीं, ईमेल के प्रूफ वगैरह अटैच करके उनसे आप बात करेंगे तो वो आपको कुछ सपोर्ट करेंगे। सेकंड थिंग इज, जिम्बाब्वे का चेंबर ऑफ कॉमर्स भी होता है, आप जिम्बाब्वे चेंबर ऑफ कॉमर्स को भी ईमेल लिख सकते हैं कि दिस इज द पर्सन हु हैज नॉट मेड दिस पेमेंट। हमारे साथ ये जो मैं जिसको समझा रही थी, हमारे एक विद्यार्थी हैं, हमारे एक स्टूडेंट हैं, हमारे एक पार्टिसिपेंट हैं, उन पुराने हैं, उनके साथ ऐसा कुछ हुआ था और उन्होंने जब एम्बेसी को लिखा तो ना ही जिम्बाब्वे एम्बेसी इन इंडिया एंड इंडियन एम्बेसी इन जिम्बाब्वे दोनों ने मिलके उनको बहुत हेल्प की और उनका पेमेंट भी आ गया। वैसे आपको मैं एक बात बता दूं कि आपके पास डॉक्यूमेंट्स ज़रूर होने चाहिए, आपका प्रोडक्ट में कोई क्वालिटी की कमी नहीं होनी चाहिए। सो इफ दीज थिंग्स आर मेट, आपके डॉक्यूमेंट्स अगर बोलते हैं कि आपने एक्सपोर्ट कर दिया है, सामने वाले ने एक्सपोर्ट किए हुए प्रोडक्ट्स को रिसीव कर लिया है, तो ज़रूर से आपको पेमेंट मिलेगा। पूरा कम्युनिकेशन आपको बताना ज़रूरी है इंडियन एम्बेसी इन जिम्बाब्वे और द चेंबर ऑफ कॉमर्स ओवर देयर। सेकंड थिंग, हमेशा याद रखना आप लोग जिसे अभी ऐसे करते हैं, तो पहला नंबर मैंने बोला कि आपको विन विन सिचुएशन से नेगोशिएट करना है, बायर ने हाँ बोल दी तो मैंने भी हाँ बोल दी, दिस इज़ अ वन वे रिलेशनशिप, ऐसे नहीं होना चाहिए। सेकेंड थिंग इज ऑलवेज टेक अ क्रेडिट इंश्योरेंस, अगर आपने उधारी में सामान दिया है, यानी कि आपने एक्सपोर्ट कर दिया है, सामने पार्टी को एक्सपोर्ट प्रोडक्ट पहुंच चुके हैं, उन्होंने इंपोर्ट कर लिया है, तो वो उधारी का सामान, उधारी का पेमेंट टर्म हुई तो आपको क्रेडिट इंश्योरेंस ECGC से लेना बहुत ही ज़रूरी है। ECGC दो चीज़ों के लिए आपको मदद रूप होती है, एक तो बायर वेरीफिकेशन, बायर जेन्युइन है या नहीं है, और जेन्युइन है तो वो आपको उधारी जो आपने दी है उसका क्रेडिट इंश्योरेंस, पैसों का इंश्योरेंस भी ECGC देता है। हर एक शहर में ECGC की ऑफिस होती है, आप ECGC की वेबसाइट से आपके वहाँ की नज़दीक ऑफिस का एड्रेस ले लीजिए, वहाँ जाके आप मिल सकते हैं, उनके पास वेरियस प्लान्स होते हैं, ये कोई और इंश्योरेंस की तरह ही है पर पेमेंट का इंश्योरेंस है। सो इफ़ यू हैव लाइक्ड माई आंसर देन प्लीज़ सब्सक्राइब, share, like the video and
आई वुड रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू टू ऑल्सो डाउनलोड द फ्री मोबाइल एप्लीकेशन, बिकॉज दैट मोबाइल एप्लीकेशन विल गिव यू ऑल दिस सपोर्ट. आपको सारे सपोर्ट्स उस पे से मिल जाएंगे, आपके एक्सपोर्ट इम्पोर्ट के काम में आसानी रहेगी. थैंक यू वेरी मच.